नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक नेता हैं जिनका नाम है ओम प्रकाश राजभर, जो सुभाषपा के प्रमुख हैं और अब उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। जैसे कि आपको पता होगा कि 2017 के विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़े थे, 4 उनके विधायक जीत कर आए, उनको मंत्री भी बनाया गया, लेकिन वो योगी से नाखुश होकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद जब 2022 का चुनाव हुआ तो उससे पहले अखिलेश यादव के साथ अलायंस कर लिए और अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़कर ओम प्रकाश राजभर ने 6 सीटें जीती, लेकिन चुनाव जो जीत गए लेकिन सरकार नहीं बनी। इसके बाद अखिलेश यादव के खिलाफ लगातार बागी बोल बोलने लगे और तमाम तरीके के आरोप जो हैं ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव पर लगाने लगे। उसके बाद मानो कि ओम प्रकाश राजभर की उल्टी गिनती शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी ने उनको बोला कि आपको जहां ज्यादा इज्जत मिलता है आप वहां चले जाइए। उसके बाद ओम प्रकाश राजभर बसपा का दामन थामने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बसपा की तरफ से सीधा मना कर दिया गया। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी उनको गोल मलोल घुमाती नजर आ रही है, सुरक्षा तो दे दी लेकिन उनको अभी अपने पार्टी में शामिल करेगी या नहीं, इसको लेकर अभी तक कोई भी चीजें सामने नहीं आई है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जो ओम प्रकाश राजभर हैं उन पर भी अब योगी का बुलडोजर बहुत जल्द चलने वाला है और सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का जो सियासी सफर है वो बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ बल्कि उनके जिस तरीके से लगातार पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी उनका साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं उसके आधार पर हम कह सकते हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर उपाध्यक्ष से लेकर तमाम लोग जो बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो कहने कहें सुभाषपा के साथ थे, वो पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं और विभिन्न प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। इस कड़ी में उनके एक नेता हैं जो बागी हो गए हैं, रामजीत राजभर। उन्होंने जो आरोप लगाया है अगर वो आरोप की जांच होती है और वो सही पकड़ा जाता है तो फिर सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का सियासी तौर पर उनका एक निगेटिव इम्पैक्ट बनेगा और हो सकता है कि उनका जो ऑफिस है उस पर योगी सरकार का बुलडोजर चल जाए। दरअसल बात करें तो रामजीत राजभर ने आरोप लगाया है कि ओम प्रकाश राजभर जब 2017 से पहले विधायक नहीं थे तो वो मुख्तार अंसारी से फंडिंग लेते थे। मुख्तार अंसारी के साथ उन्होंने अलायंस किया था कौमी एकता दल से और उस पार्टी के साथ उन्होंने जो है फंडिंग लिया है और उस फंडिंग के माध्यम से सरकारी जमीन पर जो है अपना कार्यालय बनाया है, यानी कि जो ऑफिस बनी है बलिया में वो सरकारी जमीन पर है। और अगर सच में इनका बयान सच होता है और योगी सरकार की पुलिस सही में उसको पकड़ लेती है कि ये सरकारी जमीन है तो फिर सीएम योगी का बुलडोजर ओम प्रकाश राजभर के ऑफिस पर चलना लाजमी। हालांकि ये नेता छोड़े हैं और नेता अलग अलग तरीके के आरोप लगा रहे हैं, सच्चाई क्या है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर अगर बात किया जाए तो ओम प्रकाश राजभर की मुश्किलें और उनके सरकारी कार्यालय के टूटने का जो परसेंटेज है वो काफी ज्यादा बढ़ जा रहा है। खैर, आपको क्या लगता है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे दीजिएगा। धन्यवाद।